वेलकम ब्यूटीफुल पीपल, क्या बोलती पब्लिक, हाउ डू यू डू स्कूबी डू डू। मैं हूं आपका फेवरेट यूट्यूबर बाबा जी। आज अब्बू ही बोल दो, आज तो अब्बू बोल दो बहन चोद, आज तो अब्बू बोल दो, हक की बात करा करो यार। एक मिनट ब्रो, ऐड आ गया, मैं क्या करूं क्या करूं भाई क्या करूं। तो भाई आज हम क्या करने वाले हैं, हालांकि तुमने खोला क्यों है बहन चोद, खोलो। तो भाई आज हम सुनने वाले हैं दारुल हुकूमत। दारुल हुकूमत का मतलब होता है दारू और हकूनमा टाटा का हुकू मत मत ना कर, ये मतलब होता है, ठीक है। तो हाँ, प्रोड्यूस किया गया है उमेर भाई की तरफ से। हाँ, उमेर मुझसे छोटा है कि बड़ा वैसे तो काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार किया गया। अगर मैं गलत रहूँ, ये तीसरा या चौथा ट्रैक है ईपी का, और काफ़ी इंतज़ार किया गया क्योंकि हमजा भाई बीच में कुछ कर गए थे, ये किशे की लगा गए थे, तो हमजा नहीं है इस बार वीडियो पे। और मैं एक सीन देख लूँ, डायरेक्टेड बाय स्वामी चौहान, नुमान हसन, अरे मैं भी हूँ शॉर्ट वन, नुमान हसन, दारू, ओ अब्दुल, VFX एडिट, ओ भाई साहब VFX भाई, डैब डीमन भाई, भाई ये सीख रहे थे इतनी देर से, इसलिए लेट हो गए हम। तो हाँ, स्टार्ट करते हैं रिकॉर्डिंग। काफ़ी ज़्यादा हाई बनी हुई इस गाने की, इस हिसाब से कि सुना है कि बहुत ज़्यादा न्यू होगा। चेक करते हैं कि क्या हिसाब किताब है। बाबा जी क्या बोलती पब्लिक, क्या बोलती, मचा रही है। यस कमांडो, की बात, मैं बैठा था लिखने के मूड में, हाय थी जोन उमेर की बीट दी लूप पे, धुएं के बादल मैं फूके ही जा रहा था मुंह से, बार्स की आगे सी मार्च भी जून की लू में, यू नो मी, ले चलू मार्च पे मैं जैसे इलोन मस्जिद के आदि, कोशिश कर चैलेंज अस कैलेंडर, मेरे में डेट नहीं फ्री, खेलो की डोज कोई एक नहीं पी। बेसिक तुम लोग सोच रहे हो मैं क्या सोच रहा हूँ बहन चोद, मैं सिगरेट सोच रहा था कौन सी है, अगर यहाँ पे होता कि लेके चलो चांद पे जैसे अपन नवाजुद्दीन, बड़ा मजा, कोशिश कर चैलेंज कैलेंडर, मेरे में डेट नहीं फ्री, खेलो की डोज कोई एक नहीं पी। मुझसे तो बनती नहीं सीधा, मैं बढ़ूंगा बजे की घंटी नहीं, तेरे में मेरे में फाजे सफर, क्या तजिया करे अफाम ये अंधी नहीं, ए खाकी गैंग हम जैसे बाकी तो बाकी नहीं, संगत की बात तो खाते हैं छाती पे, फोकट में होना जज्बाती नहीं, खत्म नहीं होगी ये बुजिया ना दाल, टिकटॉक के छक्कों से दुनिया बेजार, कीबोर्ड के मोजा है तीनों का बार, जहां से निकले ये वही कीबोर्ड के मुजाहिदीनों का वार। बहन चोद ये लाइन किसे खुद, कीबोर्ड के मुजाहिद, ओह इंटरनेट गैंगस्टर के चोदे बहन चोद, क्या लाइन मारा यहाँ पे, ये भाई बेजार, कीबोर्ड के मुजाहिदीनों का वार, जहां से निकले ये पेंटू का वार, नहीं तू तैयार तेरा चलता नहीं हॉरी, as far as I know मेरी जनता नहीं सॉरी, खेलू मैं हैवी पेलू मैं फौरी, शहर का ट्रिप वो मौली की गोली पे, इस्लामाबाद बर्ड दे भाई की स्टनर फ्लो आउट, नेट की माइक की आई, नेट की आई थी और मुझ पे मीम्स, दिस इज हाउ आई सी। ये मेरे को याद पड़ता है, अगर मैं गलत ना हूँ तो ये स्टनर फ्लो आना था, मुझे नहीं पता इनका बर्थडे था कि नहीं था। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे कौन गाएगा, टिकटॉक के छक्के ओवर की कुछ था, टिकटॉक के छक्के ओवर ही मेडन, ये कौन सी लाइन थी बहन चोद, ये ऐसी की थी। तो भाई वो लेट हो गए थे, तो 12 बजे आना था और 2 बजे आया, मैं गलत ना हूँ, इस 3 बजे को गाना था, मेरे को याद पड़ता स्टनर फ्लो का, काफ़ी लोगों ने इंतज़ार किया था, अगर ये वही बात है तो तुझे पटक छोटे मशरक के खतरे हैं लड़के पर, इस्लामाबाद में रैपर ही गाए शेर, यू जजिंग टू फास्ट, शायरी के शूटर भी बसते नम कैप्स, बिस्मिल्लाह दे ये एक्स की बातें मैं कर गया मूव ऑन द सेकंड माय पास्ट, बनाते भी बनेंगे बात,
कौन लाया इसमें आते हैं ये बंदी की बात है ये अपना कोई कौन हुआ था Shit, you judging too fast. Shari ke shooter bhi bustin' them caps. Diss mein laate ye ex ki. Diss mein laate ye ex ki baatein. Oh, yaar, ye kaun tha? Diss mein kaun laata ex ki baatein? अपने मुल्क का था कोई मेरे को याद ही नहीं पड़ा बहन चो बातें मैं कर गया मूव ऑन द स्टक इन माय पास्ट शादी शुदा मैं हिप हॉप तेरी भाभी फेमस भाभी सविता भाभी लाइट बिच गेम से यारी हम जब से कर रहे तब ये सब थे टखनों में मेरे आगे आए बहुत से पापी आई बीन डूइंग दिस सिंस 2014 बीटों पे उतर के कितनों को छोड़ा कितनों को कर दिया इनसिक्योर जब पहली बीट पे पहला बार मैंने बोला दो ही शॉट्स छक्का और चौका लिरिकल इनकम कर कितनों को ठोका ऑल ऑफ देम वांटेड द गोल्डन टिकट और जानी फिर भाई आपका था विली वोंका पोपो जी लोंडो के फड्डे गर यार मैं गरीब हूँ मेरा बाप अमीर है मैं गरीब हूँ और मेरे दोस्त भी अमीर है तो वो तो ये मेरे ख्याल से वो कुछ बोल भी रहा था बहन चुत क्या विली ये कोई सीरीज है या कोई फिल्म है मेरे को नहीं पता ब्रो मेरे को नहीं पता तो गोल्डन टिकट ये मेरे को समझ नहीं आई है ज़रूर मेरे को बताना भी मेरे को इतना दोस्त यू नो माय फ्रेंड्स यू नो इंग्लिश है ब्रो ये वही है तो शायद मैं गलत ना हूँ मतलब मूवी है या सीरीज है पोपो जी लोंड और मेरे को ये नहीं पता चला कि ये क्या रिलेट क्या किया गया इसमें मेरे को ये नहीं समझ आ रहा ओके फड्डे घर आए भाई विराट तो छक्के चढ़ाए कटेगा 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 आ तेरी बर्थडे मनाए ला तेरे संगी को सटे घर आए खरा ये सच तो खट्टे में खाए बकचोदी छोड़ के मुद्दे पे आए हैंड्स इन द एयर इकट्ठे ये गाए ए हो रही है गेम स्विच इन द लैंड लौटा ये दारू लगू मत भेजेगा सटका इस गवर्नर से लौटा ये दारू लगू मत हो रही है गेम स्विच इन द लैंड लौटा ये दारू लगू मत भेजेगा सटका इस गवर्नर से पावर फॉरवर्ड करे काम जेन मतलब के भेजा ले ब्रांच जेम्स तेरे को चाहिए ना सर ये तो सबको समझ आ गई होगी ना बास्केटबॉल के यार इस्लामाबाद में तुम रहते हो तुम्हें ये नहीं पता बहन चोद मम्मी डैड दारू हुकूमत ब्रो मैं तेरी जान ले लूंगा अल्लाह की कसम भसड़ और मुझे यकजहती भी not saying I'm not saying कि मैं सबसे ऊपर पर मुझ जैसा यहाँ पे एक नहीं claim नहीं करते हम अपने से कुछ भी पर public है सब कुछ ही देखती करता जो बेस्ती भाग में me do it Biggie और Jay-Z hip hop में me do it Shady का stand Nas में me do it Raje का fan Ra में me do it bitch I'm a desi Punjab में me do it हम सीधा बढ़ते खड़क राजे को रा या रफ यहाँ पे एक नहीं क्लेम नहीं करते हम अपने से कुछ भी पर पब्लिक है सब कुछ ही देखती करता जो बेस्ती भाग में मी डू इट बिगी और जेजी हिप हॉप में मी डू इट ब्रो इतने बड़े-बड़े नाम आ रहे हैं लेकिन मेरे को पर नहीं पर रा रा रफ्तार शेडी का स्टैंड कितनी बेहुमती है एक तरह से कि यार ब्रो नाच में मी डू इट राजे का फैन रा में मी डू ये इतनी बड़ी बात है ना जिसकी बात नहीं क्योंकि मैं इसलिए खुश हो रहा हूँ क्योंकि वो तो लेजेंड्स है ना ब्रो यहाँ पे देसी हिप हॉप की इज्जत एक रिस्पेक्ट पे माना एक बनाना पड़ता है ब्रो वो देर एवर है ब्रो मैं भी यही सोचता कि यार रफ्तार इतना पुराना बंदा काफ़ी लोगों ने उससे मोटिवेशन तो ली होगी नो डाउट भाई और इस वक्त देसी हिप हॉप में सिर्फ बहुत बड़ा एक उसकी वजह से ही इंडिया के अंदर अगर मैं गलत ना हूँ तो आर्ट को रैप सुनना शुरू किया लोगों ने उस बंदे की वजह से माफिया मंडीर जो था वो तो मेरे कमर्शियल रैप चला गया बाद में उसके बाद Bro, बनता है रा Do it, bitch, I'm a desi Punjab, make me do it हम सीधा बढ़ते खड़कते नहीं बुए I do it for fans, rap in the gang Postcard bro, I do it for music अबे चैन के की उठी पहन के मैं दिखा रहा ओह ब्रो आजकल ना बोलना पड़ता है यार अब बोलना पड़ेगा बोल अब बहुत जिल्लत होनी है मैं उनके वैसे ही बहुत ज़्यादा फैन है वो खबर मलिक भी था मैं देखा ही नहीं सुन मेरी बात ठीक हो लाइन थी ना वो अंजुम की उमर अंजुम यार बात ऐसी है कि रैप डीमन का ना जो ये था ना ये इसके ऊपर हाइप ये बनी हुई थी कि मारो मेरी गांड बहन चो मारो रैप ड्यूमन ने देख लिया तो उसने कहना ये मारो भरवे को
बात ऐसी है कि ब्रो काफी ज्यादा ना लोगों ने हाइप ये बनाई हुई थी कि रैप डेमन बहुत न्यू कोई इनोवेटिव के कोई ऐसा काम होगा जिसकी को हाथ नहीं ब्रो, मैं इस नजरिए से लेकर आया था टू बी ऑनेस्ट। प्लीज ये हाथ जुड़े हुए हैं, हाथ जुड़े हुए ये लोग यशु पंजू हार कबूतर डॉली, ये गाना उस पैमाने पर नहीं है जिस पैमाने पर मैं सोच के आया था, मेरी एक सोच बढ़ गई थी, इतना टाइम लिया रैप डेमन मार देगा मुझे, कहेगा बढ़ गया मर जा ठीक है। तो म्यूजिक यार ये बड़ा मुश्किल काम होता है, ये मेरे से नहीं होता, मुझे थोड़ा सा ड्रैग लगा यार। अब मुझे क्यों, मुझे अब दूसरी बात है म्यूजिक रैप डेमन का ये कुछ वो न्यू नहीं था। रैप डेमन मेरे हिसाब से पूरे पाकिस्तान के अंदर एक वाहिद आर्टिस्ट है जो मुसलसल न्यू म्यूजिक बनाता है, चाहे वो कोई भी हो। अभी पिछला लास्ट गाना इसका मैंने गहराइयाँ कुछ मैंने गाना सुना है इनका, अब कौन से चैनल से था इस वाले सुन, उसमें बिल्कुल न्यू म्यूजिक था, मतलब इस तरह का म्यूजिक कोई नहीं बना रहा, मुसलसल चेंज कर रहा होता ब्रो, वो एक जगह नहीं रहता ठीक है ना। तो मुझे इतना कोई असर नहीं पड़ा इस म्यूजिक से, उमेर की बीट थी मेरे को इतना मुतासर नहीं किया ब्रो, क्योंकि मुझे पता है कि रैप डेमन मुसलसल मुतासर करता है अपनी बीट से। तो एक रैंडम एक सोच बन चुकी है कि मेरे को कुछ नया मिलेगा ही मिलेगा, समझ रहे मेरी बात को, नहीं समझ रहे तो मालूम है ना, मालूम है ना, नहीं मालूम है तो सुन। तो थोड़ा सा इस तरह का सीन था। वीडियोग्राफी भी कुछ वो वाला नहीं था सीन, मैं जो मैं समझ रही हूँ ना जिस मैार का मैं समझ रहा था, मैं समझ रहा हूँ कि उसने ओबियसली एक आर्टिस्ट है, काम सारा लेके चले, मेहनत की हुई है, मेरी क्या औकात, लेकिन एज ए व्यूअर मैं जिस हाइप को सोच के आया था वो हाइप नहीं थी। शाउट आउट दिए गए हैं, रेफरेंस रखे हैं दो तीन और चीज़ें रखी हुई हैं, म्यूजिक अच्छा है, चीज़ें अच्छी, लेकिन समझ रहे वो रैप डेमन ये कर रहा है, वो कर रहा है, मतलब हर गाने के अंदर वो कुछ ना कुछ न्यू लाता है, उसका म्यूजिक टोटली चेंज होता है। ऐसा के गाने ऑन माई लेवल वो कौन सा था यार, भी मैं सुबह सुन रहा था, एक मिनट रुक, मैं भी सुन रहा था यार, नाम किसने भूल जाते हैं बहन, चूंकि गैस दा सॉन्ग हो ना मेरे साथ हुआ ना मैं तो हार जाऊंगा यार, वो किधर गया गाना, एक मिनट रुक, वो दूसरे चैनल, एक तो चैनल इतने हैं। हाँ ये जैसे इसमें बता देता हूँ, ये हाई जोन का जो था चिल एपिसोड जो खबर मलिक का था, उसमें भी अलग म्यूजिक, वो मेरे ख्याल से इसने रैप डेमन नहीं दिया ना। हाँ तो इस तरह के बहुत से गाने जो रैप डेमन बना चुका हुआ है म्यूजिक के तौर पे, कुछ अब मैं कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा ब्रो, मैं यहाँ वीडियो खत्म करता हूँ, ये भी ज्यादा हो जाएगा, मुझे उतना लेवल का नहीं लगा, समझ लो तुम लोग, मतलब हमने ये सुना हुआ है रैप डेमन की गाने के अंदर, हमें या तो म्यूजिक अच्छा मिलता है या उसका थ्रो जो इम्पैक्ट होता है और म्यूजिक टेस्ट जो होता है वो हमें अच्छा मिलता ही है पहले, तो वो नहीं लगा। प्लीज़ यार बुरा ना बनाना, मैं अगर ये वो मेरे को हिप हॉप की समझ नहीं, मैं पारक, मैं दुनिया का आखिरी घटिया तरीन इंसान, ये मैं चूतिया बहन जो लुल्लट, लेकिन बात जो है वो है ठीक है ना। तो मिलता हूँ आप लोगों को किसी अगले वीडियो में, प्लीज़ अगेन कोई मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन उतना वाइब नहीं आया आपको, समझ लो इससे जो पिछले गाने थे मैंने जो सुने हैं रैप डेमन के, उसमें इससे ज़्यादा और मज़ेदार वाइब है, और रैप डेमन कर लेता है ये चीज़। मिलता हूँ आप लोगों को किसी अगली वीडियो पर, काफ़ी कन्फ्यूज़ मैं, समझ लो तुम लोग, बाबा जी यस।